तो दोस्तों अभी अंकुश हमें बजा के सुनाएगा ये क्लैप बॉक्स बजता कैसा है, तो ये भी सीख रहा है, मतलब हालांकि पूरा नहीं बजा पाता है, और हम लोग सब मिल के ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं क्लैप बॉक्स बजता कैसा है। तो हमारे ब्लॉग में आज ये कोई म्यूजिक के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि हम लोग ऐसा रूम पे हैं तो सोचे चलो क्लैप बॉक्स को अंकुश बजाता कैसा है, क्योंकि मैं काम पे रहता हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि इन लोग का बजाने का समय है तो उतना उसके बाद फिर मैं इन लोग को परेशान नहीं करता हूँ। तो आज सुनते हैं कि अंकुश क्लैप बॉक्स कैसे बजाता है, तो आइए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो आज अंकुश के साथ मैं ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूं, और अंकुश बजाएगा और मैं कोशिश करूंगा गाने का। तो जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा गा लेता हूं, और ये जो अंडे जैसा दिख रहा है इसका नाम है सेकर। क्या बोलते हैं? सेकर। क्या बोलते हैं? सेकर। ओके, क्या बोलते हैं? सेकर। तो ये ऐसे बजता है, मतलब थोड़ा ये आवाज़ सुनाई दे रहा होगा इसको, इसके आवाज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये जो अंकुश बैठा हुआ है इसको बोलते हैं क्लैप बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्लैप बॉक्स। क्लैप बॉक्स, ओके। तो अंकुश, तो चलिए आज हम सीखते हैं क्लैप बॉक्स के बारे में, तो क्लैप बॉक्स कैसे बजाते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है, और बताइएगा ज़रूर कि हम ये अंकुश कैसे बजाया। तो आगे बढ़ने से पहले, हालांकि मैं भी थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ और अंकुश ज़्यादा बजा पाता है, तो अंकुश बजा के दिखा कोई भी। दोस्तों क्लैप बॉक्स जो है ये तो है लकड़ी का, लेकिन बजता बहुत ज़बरदस्त है, सॉरी ये है लकड़ी का लेकिन बजता बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको अंकुश बजा के दिखाएगा। ये कौन सा बीट है? ड्रम्पेट बीट। तो बजा के दिखा, ठीक है स्टॉप। ये कौन से गाने में बजा सकते हैं? ले चल मुझे। अच्छा, ले चल मुझे ये गाना है, तो इसका धुन है, जरा गा के सुना। अंकुश को गीत नहीं आता पर बीट बजा लेता है, तो आइए हम वो वाला गीत गाते हैं और बीट को अंकुश बजाएगा। तो कोशिश करूँगा मैं गाने का, और उस बीट को अंकुश प्ले करेगा। तो अभी हम इस मोबाइल को स्टैंड में लगा देते हैं, उसके बाद फिर इसको शूट करेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं इस गीत का, और बगल में काम भी चालू है तो थोड़ा सा खटखट आ सकता है। तो ये जो गीत गा रहा हूँ ये क्रिश्चियन गीत है, ले चल मुझे। तो आइए हम गीत गाते हैं। अब मैं गीत गाऊँगा, मतलब ऐसा मुझे भी नहीं आता पर मैं सीख रहा हूँ, तो आइए वो गीत गाते हैं। गाने का बोल है ले चल मुझे उस सिंहासन के पास जहाँ पे तू है। तो चलिए अंकुश उस बीट को बजाएगा और मैं गाऊँगा। ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, एक मिनट फ्रेंड, मैं भी उस गीत का लिरिक्स देखना पड़ेगा क्योंकि पूरा गीत मुझे भी मालूम नहीं है, तो ज़रा हम वो पेपर मंगा लेते हैं, उसके बाद फिर उस गीत को गाएंगे। तो दोस्तों ये जो ले चल मुझे इस गीत को गाएंगे और ये गीत बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मतलब हम किसी प्रोफेशनल टाइप से इसको वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरे ब्लॉग में आज मैं यही सुनना चाहता था कि अंकुश इस बीट को बजाता कैसे है। तो आइए हम सुनते हैं इस गीत को, मैं इस गीत को गाऊंगा और अंकुश इसका
म्यूजिक देगा जो क्लैब बॉक्स बजा रहा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ। आपको कैसा लगा ये गीत? ये गीत क्रिश्चियन गीत है, ये जो सॉन्ग है, तो ये गीत बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अंकुश अभी सीख रहा है, किसी म्यूजिक क्लास में नहीं जाता है, अपने से सीखता है म्यूजिक को, तो ये बजाता कैसा है बताइएगा ज़रूर। और मैं सुनना चाहता था कि अंकुश बजाता कैसा है। और ये है शेखर और ये है क्लैब बॉक्स। तो कोशिश करता है बिना टीचर का बजाने का, और बहुत सारे म्यूजिक हैं जो बजा लेता है। और हम ये है पीयूष, कीबोर्ड प्ले करता है। तो कुछ देर में उस केसीओ तो केसीओ प्ले करता है, तो कुछ देर में उसको भी देखेंगे वो कैसे केसीओ बजाता है। और हालांकि टीचर नहीं है, आप लोग कमेंटमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अंकुश कैसा बजाए, और देखते हैं पीयूष भी कैसा बजाए। अभी तो फिलहाल होमवर्क कर रहा है, जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो अभी होमवर्क कर रहा है। जैसे होमवर्क कर लेगा उसके बाद फिर वो कैसे बजाता है वो भी देखेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, तो ऐसा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो हम उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो बताइएगा ज़रूर। तो अभी तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और अभी पीयूष को भी देखते हैं पीयूष कैसे प्ले करता है। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वो होमवर्क अपना आज जुम्बस्तु कर आए यीशु नासरी, आज जुम्बस्तु कर भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर ए यीशु नासरी, आज जुम्बस्तु कर। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और ये गीत आप लोगों को कैसा लगा जो पीयूष ने केसीओ में प्ले किया और आप लोगों को सुनाया। हालांकि गीत को एक बार फिर से सुनते हैं हम, तो पीयूष प्ले करेगा। गीत का नाम है ए यीशु नासरी, आज अजुम्बस तो कर। तो चल पीयूष बजा। ए यीशु नासरी आज अजुम्बस तो कर, ए यीशु नासरी आज अजुम्बस तो कर, जुम्बस तू कर।
दोस्तों बता आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पीयूष किसी भी टीचर के पास नहीं जाता है जो मोबाइल में कॉर्ड देखता है और अपने से सीखता है, जैसे कि अंकुश को बताया। तो प्लीज़ बताइएगा, ये आज मेरा ब्लॉग वीडियो में यही है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। ये दोनों किसी भी टीचर के पास नहीं जाते हैं, अपने से जो भी है वो देखते हैं और सीखते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं, उसको कोशिश करते हैं बजाने की। तो डेली का एक एक घंटा रिहर्सल रहता है। और ये म्यूजिक आप लोगों को कैसा लगा, और मैं भी साथ में कोशिश कर रहा था कि उस गीत को गा पाऊँ, तो ये जिस गीत को गाया वो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस गीत को सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इस गीत को ज़रूर एक बार सुन के देखिएगा, बहुत अच्छा गीत है। तो ऐ सुनासरी आज अजुम्बस तू कर, ये क्रिश्चियन गीत है। तो ज़रूर सुनिएगा इस गीत को और बताइएगा ज़रूर ये म्यूजिक आपको कैसा लगा। हालांकि बिना टीचर के अपने आप से उस कॉर्ड को ढूंढ के उस म्यूजिक को सीखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी भी बिना टीचर के कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है, नहीं सीख पाते हैं। पर पीयूष और अंकुश इस म्यूजिक को अपने से सीखते हैं और उसको कोशिश करते हैं बजाने की। और मैं भी आज सुना तो अच्छा लगा, मतलब कोशिश करते हैं, उसे हार नहीं मानते। तो ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए बाय बाय, पीयूष बाय कर।